दोदुम साहब, आनिया का बंद 36 आवर्स ख़त्म हो गया। काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूजन था कि अंशु का लुक कहाँ है, नेक्स्ट लुक को हम लोग तो सुनने में आया, आप लोग कहाँ थे सर? नहीं एग्जैक्टली ऐसे है, कोई भी इशू बेस बोलने से जहाँ में हम लोग को क्रिटिकल लगता है हम लोग का स्टैंड नहीं देता है। और रहा सवाल ये अन्या का एग्जैक्ट बन कोर में हम लोग का निशी सोसाइटी का और बीच में ये और उसमें से अन्या जो एफिलेटेड बॉडी है तो उसमें हम लोग का नो से था। बट एंड अभी जब हम लोग का निशी का सरनेम को निशी का नाम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके जो ये करता है अरेस्ट होता है बोलने से बाई ब्लड हम भी निशी है। तो हम लोग अभी टीम आंसू पूरा लगा हुआ है कि जितना भी जो स्टूडेंट्स है जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग ये करने के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम लोग स्पेयर हेल्प कर रहे हैं, हम लोग का निजी भी सोसाइटी कर रहे हैं और हम लोग कॉन्स्टेंट टच में है। और रिपोर्टेडली हम लोग को ये है कि कल तक सब रिलीज कर देगा, इसमें सबका सपोर्ट है। निजी भी सोसाइटी हेडेड कर रहे हैं और आंसु भी हम लोग टच में है तो कल तक शायद रिलीज हो जाएगा गवर्नमेंट लेवल से। तो कैपिटल डिप्टी कमिश्नर ने आज थोड़ा देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 20 लोगों को रिलीज किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं हम लोग के पास कॉपी है क्योंकि इस चीज़ को परस्यू करने वाला निजी एलीट सोसाइटी है और हम लोग देख रेख में इधर जितना भी निजी एलीट सोसाइटी हम लोग काम लगा रहा है क्योंकि टीम वर्क चाहिए। क्योंकि एक अन्या को जितना भी निशी को अरेस्ट किया है बोलने से निशी का सरनेम है और बाकी हम लोग का क्लियर कट स्टैंड है कि जो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में जो इंडल्ज नहीं है जो रेगुलर स्टूडेंट है इनोसेंट को हम लोग निकालने के लिए ये करा और जो रेगुलर क्रिमिनल है जो आउट ऑफ स्टेट से ऐसे भी ये का होम डिपार्टमेंट SP कैपिटल DC कैपिटल है वो लोग के लिए हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि उन लोग को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम चाहिए। बट एन जो इनोसेंट लड़का है जो कहीं का कोई बहका के ये करके इनोसेंटली जो वॉकिंग में जा रहा था कोई एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट को ऐसे को हम लोग निकालने के लिए अभी 20 जो ये लेके आया है हम लोग होम डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी से आपका लिखा संपू से साइन करके DC कैपिटल को दिया है और DC कैपिटल कल तक रिलीज करने का हम लोग ओवर टेलीफोनिक टच में है। कल हम लोग टीम आंसू उसको रिलीज करके हम लोग यहाँ से DC ऑफिस से हम लोग ये करेंगे। और आम जनता को आप अपील करेंगे और हमारा निशी समाज को? देखिए मेरा जो जनता आम जनता को किस बात में अपील करना है आप बताइए। अभी जो जैसे कि सिचुएशन हुआ, अरेस्ट हुआ, बंद कोल हुआ, इसमें मेरा तरफ से ये है कि पर्सनली हमको लगता है कि ये इशू थोड़ा सा क्रिटिकल है ये क्योंकि आन्या जो अगर बोल रहा है कि CM रिजिग्नेशन दो बोल रहा है बोलने से ये एक टेक्निकल इशू है क्योंकि इसका प्रोग्रेटिव आपका इट हैज़ टू डिसाइडेड बाय द 6th लेजिस्लेचर ऑफ जो अरुणाचल का जो गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगा। बट एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड नहीं कर सकता। और दूसरा बात है कि गवर्नमेंट डिसीडेंसी CM का बात करने से बोलने से जो निशी ओल निशी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आंसू है निशी यूथ सोसाइटी है पर हम लोग टेक्निकली वर्कआउट करना है कि चाहे निशी से कौन बनेगा। अगर निशी से कोई बनेगा बोलने से आंसू कैन स्टैंड, नेश कैन स्टैंड और अन्या कैन स्टैंड। और दूसरा बात ये है कि कोई क्लियरिटी नहीं है तो इसे हम लोग ये किया है कि इसलिए इसमें आंसू का स्टैंड क्लियर हम लोग स्टैंड नहीं लिया है क्योंकि ये सब क्रिटिकल पॉलिटिकल इशू माने जो CM अल्टीमेट पोस्ट को रिजिग्नेशन देना इसलिए हम लोग ये नहीं किया। बट जब अरेस्ट होता है अब इंटरनेट को शटडाउन करता है यहाँ का कोई आता पीता जो वर्क करने वाला को अरेस्ट करता है तब हम लोग बोलता है कि उसमें आप कुछ इनोसेंट स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया है इसलिए हम लोग बोला है कि आप उसको रिलीज कर दो। तो अंडर द सुपरविजन और अंडर द गाइडेंस ऑफ निशी एलीट सोसाइटी और हम लोग भी कॉन्स्टेंट टच में है ये कल तक रिलीज हो जाएगा। और बाकी सबका ये अपील है कि बाकी सब लोग ये सोच रहा था कि आंसू कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट को पहले प्रेस ब्रीफिंग नहीं करता है हम लोग रिजल्ट का साथ प्रेस ब्रीफिंग करना मांग रहा था इसलिए हम लोग थोड़ा दिन 2-3 दिन रुका है। तो कल तक तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। और दोनों जी ये बताइए कि ठीक है वो ये आप लोग ने अपील ये अनिश्चित लेके लिए कुछ विजन को आप लोग ये कर रहे हैं तो अभी जैसे कि अभी GS को रिलीज कर रहे हैं ये BP के लिए आप लोग क्या BP को देखिए कल ही अरेस्ट हुआ है और उसका मॉडलिटीज को एक सिस्टम होता है उसको भी रिलीज जल्दी हो जाएगा हम लोग उसको ये करेगा। और इस चीज़ को ये करने के लिए बोलने से थोड़ा तो देखिए एक नेचुरल टाइम लगता है हर एक चीज़ में। कल अरेस्ट हुआ है आज प्रोडक्शन हुआ है इसका मतलब कल को जाके उसके लिए फिर एक ये पिटीशन डालना पड़ेगा। पिटीशन इन द सेंस ये जो 20 आदमी के लिए पहले से वर्कआउट हो चुका है
तो बाकी जो जितना भी अभी 20 आदमी को अरेस्ट कर रही है का रिलीज करने का ऑर्डर है, पहले का अरेस्ट वाला है, तो इन द सेम केस एक हर एक चीज़ को एक देखिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। एक कुछ भी चीज़ को ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज में एक नेचुरल टाइम लगता है, वो टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो बाकी जब 20 हो गया तो बाकी जो है जो इनोसेंट है वो तो रिलीज हो जाएगा, मैंने अनडाउटली आपका वाइस प्रेसिडेंट टीमी पावो भी रिलीज हो जाएगा वेरी श्योर। थैंक यू थैंक यू सर।